इससे घटिया मूवी आज तक नहीं देखी मैंने तो। बुरा बाप रहे, बहुत बुरा। कैसे सर, कैसे लगे? बहुत घटिया भाई, क्या बकवास पिक्चर है। आपने देख ली? नहीं, हम आपके देखने बाकी नहीं, वो देखना भी मजा है, बच गए आप, मैं देखना। इतने घटिया, बहुत घटिया। नींद आ गई थी 15 मिनट के लिए, इतनी बोरिंग की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल बकवास है और बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी है। कोई याद ही नहीं मतलब रामायण का मजाक। रावण अच्छा लगा हमको, और डायलॉग अच्छे लगे क्योंकि कॉमेडी कर रहे थे थोड़े से। भाई कैसे लगे पिक्चर? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया थी। कैसे लगे भाई? एक नंबर, अल्टीमेट। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे रितेश रन की जगह तो दूसरी हीरोइन को लेना था यार, नया चेहरा होना था, तो सीता माता की फीलिंग आती है, तो हीरोइन लग रही पूरी। आप ये बताइए प्रभास का काम कैसा था एज अ श्री राम? प्रभास का काम तो अच्छा था और बजरंगबली मेरे को बहुत अच्छे लगे, बाकी तो कैरेक्टर एक्शन वगैरह एक्शन सीन्स वगैरह कैसे थे? अरे पूरा कार्टून बना दिया यार, लग ही नहीं रहा कि आदि पुरुष से। ये है पबजी का टू, जैसे पबजी देख रहे हो आप, पबजी खेल रहे हो, बस पबजी वाली फीलिंग आई। मतलब उसको अच्छा लगा होगा सर? अच्छा सीन यही है बस। बस राम जी भी अच्छे लगे हैं, पर प्रभास की एक्टिंग आ रही थी उसमें जी बाहुबली जैसी। बाहुबली, हाँ, पूरा किरदार बाहुबली जैसा निभाया उन्होंने प्रभास में। राम जी जैसी फीलिंग नहीं आई, और हीरोइन के बारे में भी हीरोइन जैसी फीलिंग नहीं आई वैसे। मतलब जितने उम्मीद लेकर आए थे वैसे फिल्म नहीं, ऐसी फिल्म नहीं है। निराश कर दिया या फिर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला? नहीं, ठीक है, मूवी अच्छी है, कॉमेडी भी है। रामायण में कॉमेडी कॉमेडी थी, कॉमेडी पागल हो जाओगे, कॉमेडी कॉमेडी है पूरे। और जो लैंग्वेज है ना उसकी पूरी ऐसी देसी कर दी है, मतलब जैसे एकदम मर्यादा में बोलते ना राम जी, वैसा कुछ भी नहीं है उसमें, पूरी लैंग्वेज मतलब टपोरी टाइप में हो गई है। हाँ, कुछ तो अच्छा लगा होगा फिल्म। एक चीज अच्छी थी इस मूवी में, सबसे बेस्ट ये था कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो राम लेके नहीं बोला, राघव से क्या ये संबोधित किया मूवी का, ये सबसे बेस्ट सीन था। कि फिल्म लगभग 3 घंटे की है, तो 3 घंटे तक बांधे रखती या फिर नहीं? नहीं, बोरिंग, पूरा बोरिंग, एकदम बोरिंग, सीन में मजे नहीं आया। ऐसा निराश कर दिया। अच्छी है, अच्छी है, इतने बुराई करने के बाद ठीक है। राम जी है अपने, मतलब श्री राम के भक्तों को पसंद आएगी, आएगी, बट राम जी का बस थोड़ी फीलिंग में कमी रही है, फीलिंग चाहिए थी। रामायण देखी थी अपन ने पुरानी वाली, उसके मुकाबले इसमें थोड़ा सस्पेंस अलग तरीके दिखाया। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? 3। तो आप बताइए आपको कैसे लगे मार्केट में? अपने कैसे लगे पिक्चर? अपने को तो मजा ही नहीं आया यार, क्या क्या मजा नहीं आया, क्या सोच कर आ रहे? मतलब कार्टून जैसी मूवी बनाई यार, कम से कम भगवान को एक सोने का मुकुट तो पहनाना चाहिए इनको, बिना सोने का मुकुट है। आखिरी में अयोध्या भी दिखा रहे, तो पूरा कार्टून में दिखा रहे लास्ट में। अयोध्या सोने की होना चाहिए ना? नहीं, लंका सोने की। अयोध्या को भी दिखाना चाहिए थोड़ा सा महल टाइप का, लेकिन आखिरी में पूरा कार्टून है। और लंका जो दिखाई, लंका तो पूरा लोहा है, वो संगमरमर ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर की बनी हुई है, कुछ भी नहीं दिखाया है इसमें। उसमें चील वाला दिखा दिया वो सीन, की चील पे बैठ के आता है रावण, जबकि वो उरंतस्त्री में आता है, तो ये पॉइंट है गलत है। सीन बहुत बढ़िया, अरे मतलब जब रावण को लेने आए मजा ही नहीं आया यार, मेरे को नहीं आया मजा। इसमें कॉमेडी मोमेंट्स बहुत बढ़िया बनेगी इस मूवी में, ये अगर सीन कॉमेडी मोमेंट्स बहुत ठीक है सर। लो आ जाओ, 30,000 रुपए कौन सा रिव्यू बाजार है केबी मीडिया पुरुष ओम राउत कम टू माय रूम। क्यों, क्या हुआ? मतलब देखो VFX जो खराब था मूवी का शुरुआत में जो दिखाया था वो काफी इंप्रूव करा है, VFX काफी इंप्रूव करा है, फिर भी आ जाओ तुम भी हो ना साथ में, आ जाओ। कैसे लगे पिक्चर? अभी मैं धीरे धीरे बता पाऊंगा, एक बार बता ही नहीं पाऊंगा एक बार में कि कैसी लगी। बताओ बताओ। हाँ, देखो VFX काफ़ी सुधारा है, टीजर से लेकर अभी तक काफ़ी VFX सुधर गया है जी जी, लेकिन इमोशनलेस मूवी है। रामायण में सबसे मेन चीज़ इमोशन होती है, इमोशन ही नहीं आया, एक आंसू नहीं गिरा। मतलब उससे चलो ट्रेलर बनाया था कि कम से कम फील तो हुआ था, यहाँ कुछ फील ही नहीं हुआ मूवी में। उसके बाद 3 घंटे की मूवी, इतना टाइम है वो मूवी में कंटेंट है ही नहीं, बोर कर रहे हैं बस। मतलब हमने 3 घंटे देख के आए, याद ही नहीं कि मूवी में क्या क्या कंटेंट था। सब जो मेन मेन चीज़ें हमने देखी रामायण में हनुमान मूवी में सब हटा दिया इसमें से, फालतू के सीन दिखा रहे हैं, कुछ भी कचरा दिखाया जा रहे हैं। प्रभास जैसा प्रभु श्री राम जस्टिफाई कर पाए? नहीं, वो उतना फोकस नहीं करा राम पे, किसी पे फोकस नहीं करा, एक भी कैरेक्टर पे स्पेशल फोकस ऐसा याद ही नहीं कि इसका कुछ दिखाया हो। हनुमान जी सबके फेवरेट है, उनको तो क्या बोलूँ मैं, उनके डायलॉग ऐसे किसी छपरियों ने लिखे, बोले तेरे बाप की जली तेरी जली, ऐसे ऐसे डायलॉग कोई मतलब झोपड़पट्टी वाले ने डायलॉग लिखे ऐसा लग रहा है। और सैफ अली खान है सर, सैफ अली खान ने बहुत बढ़िया काम करा है, लुक भी अच्छा लगा था, नहीं छपरी लगा,
अच्छा लगा और साइज में बड़ा दिखाया सैफ अली खान, तो वो ऐसा टिक्का नहीं दिखा क्योंकि ऐसे कम हाइट है, तो अच्छा करा है, मतलब मेन विलन छा गया। रामायण जैसी मूवी में जहाँ पे राम भगवान का आना चाहिए था वहाँ पे विलन ज़्यादा छा गया, राम भगवान का वो कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर फिल्म ने आपको एंटरटेनमेंट नहीं दी? जो मतलब हाँ, डायरेक्टर ने सोचा होगा कि हमको एक्शन मूवी बनानी है ना, एक्शन मूवी बना दी, एक्शन एक नंबर है मैं बोलूँगा, डायरेक्शन भी अच्छा काफ़ी अच्छा है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत घटिया है, जबकि ओरिजिनल कहानी लिखी लिखाई है उसको कैसे ख़राब करते हैं वो उनसे सीखो। लिखी प्रभास राम नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं फील ही नहीं आया उससे। चलो बाहुबली में देख के लगता है कि यार वहाँ राम ज़्यादा लगता है वो बाहुबली टू में, और यहाँ देखो तो एकदम कुछ तो भी लग रहा है। मतलब सनी सिंह की एक्टिंग इतनी घटिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो एक्टर, अच्छा एक्टर है, इसमें बहुत घटिया एक्टिंग करी है। प्रीति सरन का काम ही नहीं है पूरी पिक्चर में, 15 मिनट का काम है बस। अशोक वाटिका में कुछ नहीं दिखाया, जलाने वाले सीन में कुछ ऐसा खास नहीं दिखाया, जो भी मेन हाईलाइट है ना रामायण के, एक भी सीन को ढंग से नहीं बनाया, सब कुछ नया नया बना दिया, वो लॉजिक भी सारे चेंज कर दिए, संजीवनी बूटी क्यों लाना है, कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, सब नया दिखाया उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा है। मतलब ओवरऑल फिल्म ने आपको पूरी तरह से निराश कर दिया बिल्कुल, मतलब सबके सब मूवी खत्म होना सब ऐसे बस उठ के आ रहे, फीलिंग ही नहीं। इससे तो बहुत इससे बहुत बेटर ब्रह्मास्त्र दिया गया, देखा जाए ना गॉ मोमेंट्स थे मूवी में, भले उसकी घटिया डायलॉग थे लेकिन आपने 3D में देखा तो 3D में विजुअल देखा। हाँ फर्स्ट हाफ में 3D पूरा था, सेकंड हाफ में 3D इफेक्ट थे ही नहीं, निकाल के देख लो लगा के देख लो सेम कोई फर्क नहीं। अच्छा ओवरऑल आउट ऑफ 5 कितने देंगे? आउट ऑफ 5 2 तो मैं देना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्शन ठीक था। देखिए बचपन वो रामायण द एपिक 3D जो थी 3D वर्जन वो ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, क्योंकि इसमें देखिए मज़ा ही नहीं आया, मतलब ऐसा कोई फील ही नहीं हो रहा कि रामायण देख रहे हैं हम, कोई बड़ी बीच लार्जर लाइफ वाले मूवमेंट ही नहीं थे, बस चले जा रहा जो चल रहा है, लोग लड़ रहे फालतू, मतलब उसमें ऐसा आया नहीं कि राम भगवान आए तो चल रही लड़ाई रावण और राम की, वो बस लड़े जा रहे फालतू, उसमें फील नहीं, वो आवाज़ नहीं, मज़े नहीं आए, मतलब इमोशन फील नहीं कराते बिल्कुल नहीं। और एक्शन सीक्वेंस वगैरह कैसा है? भी सही अच्छा लगता है पर वो इस मूवी में शूट ही नहीं हो रहा है, और डायलॉग इतने ख़राब थे, वो भगवान ऐसे भगवान के डायलॉग होने चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए हम हमारी बात होती, वो तेरी चली, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप की चली, हाँ ऐसे डायलॉग वो हनुमान जी के, वो भी इतना ख़राब लगता है देख के, लोग हंस रहे थे, लोग उसकी हंसी उड़ाए थे हनुमान जी की, जो उसने करा वो बहुत ख़राब करा हमने जो भी करा। मतलब ओवरऑल फिल्म ने आपको निराश किया? वो होगी ये बस ही, जो पहले दिन आएगा इलेक्शन वो आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा आगे, 750 करोड़ कितना ही रिकवर करेंगे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? नहीं बिल्कुल, वो बाहुबली के अलावा कहीं शूट ही नहीं हो सकता इंसान, राजमौली ने उसको इतना अच्छा कैरेक्टर बना दिया था प्रभास को, कि साहो देखो साहो में वो इतना डल लगता है इंसान, और उसके बाद फिर राधेश्याम तो मैं देख ही नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ तो गलत लगता है, इंसान ही गलत वो इंसान, मतलब उस पता नहीं क्यों सूट नहीं होता आपको। चलो ठीक है आ जाओ कैसे लगी आदि पुरुष? अच्छे लगे, मतलब एवरेज, बहुत बोर थी, बोरिंग थी आदि पुरुष, मतलब ट्रेलर के कंपेयर में बोरिंग थी। एक्शन सीक्वेंस कैसे है फिल्म के? ठीक है, इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं। प्रभास एज अ प्रभु श्री राम कैसा किरदार निभाया उन्होंने? अच्छा लगा, वो तो अच्छा था, अच्छा लगा। और फिर माँ जानके के किरदार में कृति सेना का काम, अच्छे थे वो सीता जी। फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा आप ये बताइए? सब अच्छा था, सिर्फ मतलब रावण अच्छा नहीं लगा और लक्ष्मण भी अच्छा नहीं लगा, राम और सीता जी। फिल्म में इमोशन है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ देखते वक्त फिल्म? नहीं नहीं इमोशनल नहीं लगा। बट ओवरऑल एंटरटेनमेंट मिलता है या नहीं? नहीं थोड़ी बोरिंग है। आप बताओ आपको कैसी लगी? मतलब पिक्चर के बस मतलब शुरू के बस आधे घंटे में बस 3D था मूवी के, बाकी फिर अमराव धुल गए कि 3D मूवी थी कि क्या थी, बस पूरी मूवी फ्लैट थी उसके अलावा, और ये मतलब पूरी पिक्चर बोरिंग, पूरी पिक्चर फ्लैट, कुछ इमोशन फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं फील हो रहा और कुछ टेंशन भी फील नहीं हो रहा, जैसे कि वो पर्वत उठाने वाला सीन पूरा फ्लैट, फिर वो समुद्र को चेतावनी देने वाला सीन पूरा फ्लैट, सब सीन पूरे फ्लैट जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब जो सोच के आया था उस तरह का नहीं मिला क्या? हाँ मतलब ट्रेलर के अगर देखा जाए तो इस पिक्चर का 1% भी नहीं है, मतलब ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा यार। अच्छे में शुरू के आधे घंटे बहुत अच्छे थे, शुरू के आधे घंटे बहुत अच्छे थे बस वही, और लक्ष्मण का बाप रे बाप, लक्ष्मण का क्या कास्टिंग करी है, मतलब लक्ष्मण तो बिल्कुल फ्लैट लगे हैं, बिल्कुल फ्लैट, और हनुमान जी को तो कुछ गाना भी नहीं दिया, हनुमान जी को कुछ गाना देना चाहिए था इनको, यहाँ हनुमान चालीसा चलानी चाहिए थी, जैसे राम सेतु के एंड में यहाँ जो हनुमान चालीसा चलती है उसकी वजह से जो मतलब जो फील आता है वो, हनुमान को तो कुछ फील ही नहीं था। वो डायलॉग्स वगैरह कैसे हैं? डायलॉग्स तो मतलब बिल्कुल पौराणिक डायलॉग्स थे ही नहीं, मतलब
मतलब सोचो कि सैफ अली खान को वेल्डिंग करते हुए दिखाया, मतलब रावण वेल्डिंग कर रहा है वो भी बिल्कुल प्रॉपर, वो सूट पहनकर, वेल्डिंग सूट पहनकर, मतलब पूरी तरह से निराश कर दिया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाकी बस शुरू के बस आधा घंटा बस ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, बहुत कुछ सेटअप करा हुआ है, बहुत अच्छा वी एफ एक्स लगता है, 3D भी अच्छा लगता है, बट फिर बाद में बहुत बेकार। काम किसका अच्छा लगा? काम सिर्फ प्रीति सनोन का अच्छा है, ऐसा था प्रीति सनोन का। बाकी राम ऐसा राम भी नहीं जमे ना, लक्ष्मण जमे ना, ये विभीषण तो बिल्कुल मॉडल लगता है, मॉडल लगता है कि मॉडलिंग करने आया है। नहीं नहीं जमा। आउट ऑफ 5 कितने लोग? 2। थैंक यू।